दोस्तों, नेपाल क्रिकेट टीम ने भारत के बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी NCA में एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कैंप का सफल समापन किया है। यह कैंप आगामी सितंबर में होने वाले ICC-CWC लीग 2 सीरीज के लिए नेपाल की तैयारी का हिस्सा था, जिसे समाप्त करने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल CAN ने इस कैंप के आयोजन में सहयोग के लिए BCCI का धन्यवाद दिया है। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुछ समय पहले CAN ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसमें विशेष रूप से BCCI के सचिव जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के समर्थन की सराहना की गई है। आपको बताएं कि इस कैंप के दौरान नेपाल के खिलाड़ियों को NCA में उच्च स्तर की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ और इंडियन टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भी उनका मार्गदर्शन किया। उनके अनुभव और सलाह ने नेपाल के खिलाड़ियों को न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत किया होगा। यह कैंप नेपाल टीम के लिए वर्ष 2024 में भारत का दूसरा दौरा था। इससे पहले उन्होंने गुजरात में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बारोड़ा के खिलाफ मैच खेले थे। तो अब इस नई तैयारी के साथ नेपाल क्रिकेट टीम ओमान और कनाडा के खिलाफ होने वाले आगामी मैचों में शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। इस सहयोग के साथ नेपाल क्रिकेट टीम ने एक और कदम अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की ओर बढ़ाया है। CAN का मानना है कि इस ट्रेनिंग कैंप का अनुभव नेपाल की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आखिरकार आज इस कैंप को सक्सेसफुली खत्म करने के बाद नेपाली टोली भारत छोड़ चुकी है, तो आपको क्या लगता है, NCA में नेपाल टीम की ट्रेनिंग से टीम को कोई बेनिफिट हो सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।